अस्सलाम वालेकुम मोजेस कमदीन आजाद प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन के डेवलपमेंट्स पे बात करने जा रहे हैं। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत पहले प्रेडिक्शंस हो चुकी थी कि ये आज नहीं तो कल होना ही होना है, लेकिन जो शुरू में हमें सूरत हाल दिखाई दे रही थी उसमें लग रहा था कि शायद हो सकता है ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस चल ही जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं जो खुलकर सामने आ ही जाएंगी। और वो चीजें खुलकर सामने तब आना शुरू हुई कि जब सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब मुकम्मल हुआ। उससे पहले सब अच्छे की रिपोर्ट थी, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के कैंडिडेट्स को सपोर्ट भी कर रहे थे, एक दूसरे के हक में बयान भी दे रहे थे, मुश्तरका मीटिंग्स भी हो रही थी और मुश्तरका कैमराज भी तलाश किए जा रहे थे जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने, मुसद्दिक मलिक साहब ने तलाश किया, उनका ये जॉइंट ऑपरेशन था। और जैसे ही चेयरमैन सेनेट का नतीजा सामने आया तो फिर हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया, उन्होंने कहा कि जी हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, जिस पर फिर बाद में माहरीन का यही कहना था कि जी अगर आप चैलेंज कर भी लेंगे तो ये सेनेट का अंदरूनी मामला। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ ऐसा ही जवाब मिला कि ये जो उनकी अपील थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सामने अपील रखी थी इस रिजल्ट को लेकर, उसको मुस्तरद कर दिया गया। और वहीं पर फिर इख्तलाफात खुलकर सामने आए। पहला जो हमें नजर आया इख्तलाफ वो था इस्तीफों को लेकर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि इस्तीफों को शर्त रखकर लॉन्ग मार्च पे जाना ये पहले तय नहीं हुआ था और ये पहले से कोई कंडीशन नहीं थी कि जी आप इस्तीफे देंगे तो हम लॉन्ग मार्च पे जाएंगे। इस पर एतराज उठा, फिर एक दूसरे के खिलाफ कुछ हल्के फुलके इधर उधर से बयानात आना शुरू हुए, फिर उसको थोड़ा सा सिचुएशन को मेंड भी करने की कोशिश की गई लेकिन वो हुई नहीं। और फिर अचानक आज हमने ये देखा कि जो तय हुआ था चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम के बाद, अगले रोज शायद खाकान अब्बासी साहब की सरबराही में जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था कि ऑपोजिशन डेप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब होंगे पीडीएम की तरफ से, और जो ऑपोजिशन लीडर सेनेट हैं वो पीएमएलएन से होंगे। ये तय हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि ये इस्तीफों वाला मामला, इस्तीफों के बाद अब जो आज एकदम से बम गिराया गया पीएमएलएन पर और शॉकिंग था पीएमएलएन के लिए, जिसमें पीएमएलएन का खुद ये कहना है कि हमें खुद टेलीविजन से पता चला, मतलब पीडीएम से हमें नहीं पता चला या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराये से नहीं पता चला कि यूसुफ रजा गिलानी साहब पहुंच चुके हैं चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब के पास, उन्हीं के पास के जिनके बतौर चेयरमैन सेनेट इंतखाब को चैलेंज भी किया था, उनके पास पहुंच गए हैं अपनी हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स की तफसील लेकर। और ये बाप के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं जो हैं तो हुकूमत में लेकिन ये ऑपोजिशन में चले गए और ऑपोजिशन के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए वोट दे रहे हैं, और ये सारा गेम, ये सारा सिलसिला जो था ये पीएमएलएन की पीठ में चुरा घूमने के बराबर है। आज के प्रोग्राम इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ, हमें ज्वाइन किया उमरान जमात पीटीआई से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में महरीन अनवर राजा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर बलोच साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। अली गौहर बलोच साहब, दुख हुआ या बहुत दुख हुआ और साथ में यकीनन शदीद गुस्सा भी होगा के दिन दिहाड़े आपके साथ इस तरह से किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिनको आपने अपना कहा था, जिनको आपने अपना भाई कहा था, जिनके साथ आपके ताल्लुकात इतने गहरे हो गए थे कि कहीं पे भी हो मुलाकात किए बगैर उस शहर से कहीं और दूसरे शहर रवाना नहीं होते थे, वही आपके साथ ये जुल्म कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली मुमताज, बहुत शुक्रिया। आज के जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाला से बड़ा रेलिवेंट आपने टॉपिक रखा है, तो गुजारिश ये है कि कोई सदमे और दुख वाली बात नहीं है। ये आफ्टर ऑल ये एक पॉलिटिक्स है और आपको पता है कि ये पीडीएम में वो तमाम अपोजिशन की पार्टीज बैठी हुई हैं जो अलग अलग मैनिफेस्टो से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके सर थी और सर अब तो ये कहना सर थी बैठी हुई थी, अब तो अपने अपने घर में सर बिखर गए। अगर अगर आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करना चाहिए। जरूर, बहुत शुक्रिया। देखिए गुजारिश ये है कि अलग अलग मैनिफेस्टो से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तमाम पार्टीज ने, और उसके बाद आइंदा जनरल इलेक्शन में भी ये तमाम पार्टीज जो है वो अलग अलग ही मैनिफेस्टो पर इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगी और अपने मद्दे मुकाबले भी एक दूसरे के उम्मीदवार आम खड़े करेंगे। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि ये तमाम अपोजिशन की पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी है, और इसमें आपने देखा कि यहाँ पर जो भी पीडीएम की मूवमेंट चल रही है वो इकट्ठे ही चला रहे हैं। और आज भी हमारा एक पॉइंट जिस पर के हमें
कई तफादात हो या इख्तलाफात हो, वो एक पॉइंट हमारा इकट्ठा है कि ये हुकूमत जो है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और ये वोट चुरा कर आए हैं और इनको इक्तदार से अलग करना जरूरी है। क्यों? और पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए ये तमाम मूवमेंट चल रही है। तो गुजारिश ये है कि जो आज की आपने बताया है, यकीनी तौर पर उसमें हमारे तहफात हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तय हुआ था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट करेंगे। बल्कि आपको पता है कि वो सेनेटर भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून और तमाम पीडीएम की पार्टीज ने उनको वोट किया और फिर सेनेट चेयरमैन सेनेट के लिए भी। और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये तय हुआ था कि जो ऑपोजिशन लीडर है वो मुस्लिम लीग नून से ही होगा और इसके लिए वाकई हमारे लिए हमारे शदीद तहफात है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो फिर फैसला किया है कि धोखा आपको धोखा दिया, धोखा दिया आपको, आपके साथ गेम हो गया। देखिए बात यह है कि नहीं, वो तो उन्होंने कुछ दिन पहले से, आपको पता है कि मीडिया पर ये बातें आ गई थी और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने कहा कि हम जो है क्योंकि अक्सरियती पार्टी है सेनेट में, लिहाजा हम अपना लाएंगे। और हमारा मौकफ ये था कि आप अगर के अक्सरियती पार्टी हैं लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो फैसले हुए हैं उनका एहतराम किया जाए। और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जरदारी साहब से बात की, लेकिन बहरहाल ये अगर इस तरह से ओपन जो कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसले होते हैं अगर उन पर मनोअन अमल नहीं किया जाएगा तो इससे मेरा ख्याल है कि जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है उसको शदीद धचका लगेंगे, जिस पर एहसान इकबाल साहब ने भी आज अपने तफादात का इजहार किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बात तो जरा वाजी हो गई कि इमरान खान साहब जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनको सियासत नहीं आती, तो अब वो ये साबित कर रहे हैं कि उनको सियासत सिर्फ आती नहीं है, बहुत अच्छे से आती है। चलिए आप भी कह रहे हैं, आइंदा भी कहेंगे लोग, और इंशाल्लाह हमें तो पहले से पता था कि उन्हें सियासत भी आती है, वो बड़े अच्छे लीडर भी हैं। उनसे पहले हमें ऐसा लीडर ना नजर आया है, ना नजर आने की कोई उम्मीद नजर आती है। अनकरीब जितने लीडरान आए हैं उन्होंने पहले अवाम की खिदमत की, उसके बाद उन्होंने ये लीडरी का सुबह उन्होंने जिंदगी में अचीवमेंट्स हासिल किए। ये नहीं कि किसी की गोद में पलके जवान हुए हों या किसी से शादी करके सियासत में आगे हों, तो ये जिनके हैं ये तो 22 साल स्ट्रगल से जो आता है वो कुंदन बन के आता है, वो सोना बन के आता है। और ये स्ट्रगल जो होती है सियासी मैदान में ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत लाती है, और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को ये खाम ख्याली थी वो अपनी जगह है। और मैं आज के हालात पे सिर्फ यही कहूँगा कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। और अगर खलील गिब्रान की वो इनके लिए तो सिर्फ इनका जो मकसद था वो ऐसा था कि द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, इस बुनियाद के ऊपर सियासत होती नहीं। ये जितने असूलों की बात करते हैं जो आपस में अहदो वफा और पैमान को एक साथ नहीं रख सके, इसी पीडीएम के मूवमेंट के अंदर ये बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया जा रहा था। जो अब बात कमेंट्री कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान की शर्त थी इस पीडीएम के पिछली दफा के लॉन्ग मार्च में जो उनकी 10 मिलियन मार्च थी उसमें जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा अब मैं मार्च उस वक्त शुरू करूंगा जब आप मुझे इस बात की यकीन दहानी दिलाएं कि वक्त आने पर आप इस्तीफे देंगे। उसके ऊपर सबने कहा हाँ हम इस्तीफे देंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि 12 दिसंबर लाहौर के जलसे से पहले इस्तीफे मांगे गए और सबने कहा कि हमने इस्तीफे दिए और वो सब कुछ हुआ। और फिर आगे आके कोई कह दे कि हमसे तो इस्तीफों की बात नहीं हुई थी, तो वो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, वो लोगों से झूठ बोलने की बात है। लोगों की अगर जहानत के ऊपर इतना ही यकीन है कि लोग इतने उनकी मेमोरी शॉर्ट है तो ये खाम ख्याली में खुश होते रहे, खाबे खरगोश देखते रहे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये ना कहें खुदा खुदा के वास्ते के हमने तो कभी इस्तीफों की बात नहीं की थी। फिर उसके बाद उन्हें कहा हम असेंबलियां छोड़ देंगे, लेकिन उसके साथ जो बाय इलेक्शन डिले हो रहे थे उसके लिए खतो खिताबत भी हो रही थी कि इलेक्शन जल्दी कराए। फिर वही जो सेलेक्टेड पार्लियामेंट थी उसी सेलेक्टेड पार्लियामेंट से लिए जो है वो वोट लेके सेनेटर भी बन गए। वाह भाई क्या बात है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या डायकोटॉमी है, क्या हिपोक्रेसी है। हंसी भी आती है, मजाक भी आती है। सेनेटर हम असली हैं,
पार्लियामेंट जिसने जो आई थी वो जाली है, कितनी अच्छी असूल की बात कर रहे हैं ना। तो मुझे इनके जितने असूल ये समझाने की कोशिश करते रहते हैं आवाम को, हम तो इनका देखते रहते हैं। फिर आपस में जो है बने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सेनेटर और चेयर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए बाप पार्टी की सपोर्ट से। क्या कमाल की सियासत खेली है जरदारी साहब। हम तो दाद देते हैं जरदारी साहब की चलाकी को और सब कुछ, कि वक्त आने पर वो कहते हैं पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब से लेक्चर्स लिए जाएं कि सियासत कैसे होती है और कैसे जो है वो अपने साथ शामिल करके अपना काम निकलवाया जाता है। महरीन आपको जी मुमताज साहब आपने जरूर पढ़ी होगी, लेकिन मैं बाकी आदात महरीन अनवर राजा साहिबा और हमारे मुस्लिम लीग से जो साथिया है वो एक किताब है द प्रिंस जी, वो सियासत की जरदारी साहब के उस्ताद थे मैखावेली, उनकी लिखी हुई किताब है उनके, तो मैखावेली द प्रिंस जो है उनकी जिंदगी के हालात है वो पढ़ लें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरी नंबर राजा साहिबा आपकी तरफ आते हैं, आपको मुबारक हो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब चले चेयरमैन सेनेट ना सही लेकिन ऑपोजिशन लीडर सेनेट बन चुके हैं। आपकी तरफ से यह तय हुआ था कि पीडीएम के साथ हम लेकर पीडीएम को चलेंगे, मुश्तरका फैसले होंगे और मुश्तरका फैसला तो यही हुआ था कि ऑपोजिशन लीडर सेनेट में पीएमएलएन से होंगे, तो फिर आपने उनको बाईपास करते हुए यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्यों चेयरमैन सेनेट के लिए पेश किया और उनको फिर चेयरमैन सेनेट बनवा भी दिया? ऑपोजिशन लीडर सेनेट अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लम वबारिक अला हबीबी कल मुस्तफा वाला अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। देखिए जहाँ तक आज बहुत एक गर्मा गर्मी हो रही है, बहुत बहस चल रही है, मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ हुआ आईन और कानून के मुताबिक हुआ और जो कुछ भी हुआ, जैसे पार्लियामेंट में सेनेट का इलेक्शन हुआ उसके बाद एक धोखा दिया गया और यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट से जिस तरह वो रोका गया, मगर देखिए जो सच्चाई कदा कलामी के लिए माजरत, जिन्होंने धोखा दिया उन्हीं के पास आप ऑपोजिशन लीडर सेनेट के लिए पहुंचे थे और उन्हीं की सपोर्ट से फिर ऑपोजिशन लीडर सेनेट भी बने। जी जी आपको तसल्ली होगी ये बात करके, जब मैं बात कर रही हूँ जरा आप खामोश रहे जी, आप बात मुकम्मल कीजिए, लेकिन आपने धोखे की बात की ना तो मेरे लिए कहना जरूरी था जी। ना आप तो तसल्ली रखे, मुझे बात मुकम्मल करने दें, इतने ना तेज हो आप। नहीं मैंने तो सिर्फ मुबारकबाद पेश की आपको। जी जी आपको भी बड़ी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आईन और कानून के मुताबिक हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि जरा इंटरप्ट ना करें। जी जी बात जो सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे भाई यहाँ फिरदौस शमीम साहब बैठे, मुझे बहुत इज्जत है उनके लिए, ये बता रहे थे कि कोई किताब पढ़ लें आप या प्रिंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। एक किताब रेहम खान ने भी लिखी है, वो आप भी पढ़ लें जरा, अगर पढ़ लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी बड़ी तसल्ली हो जाएगी। देखिए जहाँ तक ऑपोजिशन लीडर ऑफ सेनेट की बात है, ये तो एक अया चीज है कि एक दस्तावेज है उस पे आपको सिग्नेचर्स चाहिए मेजोरिटी के। अब मेजोरिटी के सिग्नेचर्स अगर आपके पास हैं और आपका कोई ऐसा मामला जिससे कोई आईन और कानून को या रूल्स को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, तो फिर आप तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और जहां तक ताल्लुक है पीडीएम का, तो ये बात तमाम लोग समझ लें जो इस वक्त खुश हो रहे हैं कि पीडीएम या तो टूट गई है या टूट जाएगी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम अपने लॉजिकल एंड तक जाएगी, ये मेरी बात आप याद रखें। और ये जो बीच में मामला चल रहे हैं ना, इन पे सिर्फ बहस हो सकती है, इस पे सिर्फ आप जिसको कहते हैं कोई इदारियां लिख सकते हैं। सबसे जरूरी चीज इस वक्त हुकूमत के लिए है कि अपनी गवर्नेंस पे, अपने काम पे और जो ये वादे करके आए हैं वो उस पे ध्यान दें। महंगाई जहां तक जा रही है वो आपके सामने है, लोग जो इस वक्त भूखे मर रहे हैं, बिजली आप बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल आप बढ़ा रहे हैं, गैस आप बढ़ा रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं आप छोड़े। आप पीडीएम में अपनी जो है वो सेफ्टी मत ढूंढे के जी पीडीएम ये हो गया। पीडीएम चल रही है, चलती रहेगी। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, ये याद रखें मेरी बात और इसको जहन नशीन कर लें, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस जो ये जो इस वक्त एक हम लेके चल रहे हैं, एक मशल लेके चल रहे हैं
जमहूरियत की, असली जमहूरियत की बहाली को इलॉजिकल लेंस ठीक। लेकिन मेरीन साहब जरा ये तो प्लीज समझा दें कि ये कैसे हुआ, कमाल कर दिया आपने कि पीडीएम की सपोर्ट से सेनेटर मुंतखब हो गए यूसुफ रजा गिलानी साहब और फिर सादिक सिंजरानी साहब की सपोर्ट से अपोजिशन लीडर सेनेट बन गए, कमाल हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कमाल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन और पीडीएम में, खास तौर पे मैं समझती हूँ कि पीडीएम जो जमहूरियत की बहाली के लिए एक मशल चल पड़ी है वो लॉजिकल एंड तक जाएगी। और ये कैसे हुआ ये आप भी जानते हैं, बहुत से जो आपके सेनेटर्स हुकूमत में बैठे थे उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, और जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं और वो साइन कर देते हैं तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि क्या हक नहीं बनता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो कैंडिडेट हैं। बिल्कुल आपका हक बनता है जी, आपके पास दस्तखत शुदा तमाम वो अरकीन सेनेट हैं, आपकी सपोर्ट है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो अलीगढ़ बलोच साहब आपके लिए बहुत से सवाल हैं और मेहरीन अनवर राजा साहिबा ने जो पीडीएम की बात की है उस पर आपकी क्या राय होगी, हम जानेंगे वक्फे के बाद कि क्या पीडीएम अब भी कायम है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। अलीगढ़ बलोच साहब आपकी तरफ आते हैं, पीडीएम क्या अब मामलात को साथ लेकर चल सकेगी? एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि जो ये आज हुआ है ये हमारे लिए बहुत बड़ा धचका है। मेहरीन अनवर राजा साहब तो बहुत पॉजिटिव है, वो कहती हैं कि जी पीडीएम को कुछ नहीं हुआ है, जो हमारे मकासद हैं वो हम उनको हासिल करके रहेंगे। जी अली मुमताज, देखें बात ये है कि ये बिल्कुल मैं किसी हद तक तो मेहरीन साहबा की बात से इत्तफाक करता हूँ कि आज खुलकर बोले अलीगढ़ बलोच साहब, अब क्या मतलब ढकी छुपी बात करना, खुलकर बात करें, आप देखें ना आपके साथ क्या हो गया है। इसमें कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है अली मुमताज साहब, देखें गुजारिश ये है कि पीडीएम आज भी इस पॉइंट और इस एजेंडे पर बिल्कुल इकट्ठी है कि ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम बंद करके और गैर नुमाइंदा हुकूमत है और इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को घर वापस जाना चाहिए, यही पीडीएम का यही आपने है। यही आपने बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी के बारे में भी मरीन नवाज साहिबा ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, कुछ ऐसा ही था। देखिए बात ये नहीं, वो देखिए बात ये है कि वो जो ट्वीट था उसके बारे में बिल्कुल उसको गलत ट्रांसलेट किया गया था और उसकी वजाहत पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो भी चुकी है। और गुजारिश ये है कि चलें फिर ये बता दें कि जो कैप्टन सफदर साहब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब दमादों की जो एसोसिएशन है उसके ताहयात चेयरमैन है। जी जी वो तो अदराए मजा बात हुई थी, वो आपको भी पता है उसका, मरियम साहब नहीं पता ना, आप इसको क्लियर कर दें। हाँ जी वो आप भी उस यूनियन में शामिल हो सकते हैं अगर नहीं, नहीं, नहीं। तो फिलहाल उम्मीद हो रहे हैं बहुत है। अच्छा बहरहाल मैं गुजारिश ये करूंगा कि आपको पता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इस मौजूदा हुकूमत ने अभी आज मैं देख रहा था कि कुछ ऑर्डिनेंस जारी किए जिससे कि तमाम टैक्स जो कि इन्होंने टैक्स की आवाम को छूट दी थी वो दोबारा लगा रहे हैं, सब्सिडीज को खत्म कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो पाकिस्तान को तो ये तबाही के दहाने पर पहुंचा रहे हैं। और इमरान न्याजी साहब जिनकी हुकूमत जो है वो आखिरी हिचकियां ले रही है, वो जाते जाते भी पाकिस्तान की आवाम का जो है वो बहुत वसी लेवल पर जो है वो नुकसान करना चाह रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनके दिल में क्या हसद और बुगद है। और दूसरा आपने देखा कि मरियम नवाज साहबा की पेशी के ऊपर जो नैब है वो आवाम का प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता। अच्छा अली साहब सवालात इतने से हैं, आपने नैब की पेशी का याद करा दिया, एक तरफ आपके साथ पीडीएम मिलकर आपके इस पेशी के मौके पर साथ जाने को तैयार थी और फिर आज सुबह कमर जमान कायरा और आपके दीगर इत्तेहादी नाश्ता कर रहे हैं, एक तरफ नाश्ता हो रहा है और वहां पर मतलब सब गुफ्तगू चल रही है, दूसरी तरफ वहां पर जाकर सादिक सिंजरानी साहब के पास बैठ के यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर बन रहे हैं, तो ये तो दिन दिहाड़े हुआ है जो आपके साथ हुआ है, या आपकी मासूमियत का फायदा उठाया गया है, या जो आप पीटीआई को नाअहल कहते हैं या आपकी नाअहली का फायदा उठाया गया है? नहीं ये किसी की भी नाअहली नहीं है। देखें ये तो एक अखलाकी बातें हैं कि जो चीजें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर तय हो उन पर मनोअन अमल किया जाए, लेकिन मैं एक बात आपको नहीं वो मेहरीन अनवर राजा साहिबा ने वाजे कर दिया कि देखें हमने जो किया कोई गैर आईनी काम नहीं किया है, हमारे पास नंबर थे, हमने दस्तखत थे हमारे पास सेनेटर्स के। देखिए बात यह है कि अगर आप मुझे बात करने देंगे अली मुमताज तो फिर मैं अपना मौका बता सकूंगा, अगर आप हर क्वेश्चन को काट के क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो आप किसी बात का जवाब नहीं, मैं खामोश हो गया सर। आप
देखिए, गुजारिश ये है कि हमने ये नहीं कहा कि ये गैर आइनी हुआ है या गैर कानूनी हुआ है। हमने ये, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने ये कहा है कि जो आपस में चीजें डिसाइड हुई थी जिस तरह से कि चलना है, कौन से उदे पर सेनेटर किस पार्टी का होगा, किस पार्टी का ऑपोजिशन लीडर होगा, किस पार्टी का जो है उम्मीदवार वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए कॉन्टेस्ट करेगा, तो जब बाकी तमाम बातें जो है वो मनो अन उसी तरह से हुई जिस तरह से कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हुई, तो मुनासिब ये भी यही था कि जो कि चीज डिसाइडेड थी कि ऑपोजिशन लीडर नून लीग से होना है तो उस पर ही अमल किया जाता। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि आज भी इन तमाम बातों के अलावा हम तमाम ऑपोजिशन पार्टी जो है हमें आपस में लाख तफलात से, लेकिन इस बात पर आज भी हम इकट्ठे हैं और एक पेज पर हैं कि इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर जाना चाहिए और इसके लिए हमारा कोई नरम गोशा और नरम कुशन नहीं है। उस तरीकेकार पर हमारा इख्तलाफ हो सकता है, हमारे तफलात एक दूसरे से हो सकते हैं, लेकिन जिस जो हमारा एक नुकते का एजेंडा है वो यही है कि इस हुकूमत को इंशाल्लाह ताला घर जाना है। आज जितनी भी सियासी पार्टी हैं आप देख लें कि वो पाकिस्तान के अवाम के बयानिए के साथ खड़ी हुई ऑपोजिशन की पार्टी, और वो अवाम का बयानिया यही है कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, पाकिस्तान में आईन और जमहूरियत की हुक्मरानी होनी चाहिए, और जो पार्टी भी चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम में दीगर पार्टी जो अपोजिशन में बैठी है, अगर कोई उस बयानिए से पीछे हटेगा तो मेरा ख्याल है कि वो अपना खुद बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिकल नुकसान करेगा। इससे किसी दूसरी, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ऑपोजिशन लीडर बन जाए तो उसमें हमारा सियासी नुकसान नहीं है, लेकिन जो चीजें तय हैं वो उन पर अगर अमल हो तो मेरा ख्याल है कि इसमें पीडीएम की ज्यादा स्ट्रेंथ शो होती है। ठीक है, फिरदौस अमीन नकवी साहब, पंजाब से बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो गए और फिर उसके बाद हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब बाप पार्टी के कैंडिडेट्स की हिमायत से, सादिक निजानी साहब की हिमायत से फिर ऑपोजिशन लीडर बन गए, तो सबके साथ आपने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर ली, सेटिंग हो गई, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी कुछ सेटिंग कर लें, उन पर सारा गुस्सा अभी तक निकाले जा रहे हैं, उनके साथ कहीं पर कोई आपकी बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी फिरदौस अमीन नकवी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आप अच्छा, मैं अगर मुझसे सवाल है, देखिए हम तो किसी के साथ भी सेटिंग नहीं करने को तैयार है, हमारे लिए तो मशहूरी है कि ना हम एनआरओ देंगे ना हम ऐसे लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। अलबत्ता देखिए, अली गौहर साहब ने अभी एक बात कही बिजली के सिलसिले में, जरा मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ ने जो बिजली के मुआहदे किए उसके बाद तो कोई मुआहदा इस मुल्क में नहीं हुआ ना नया बिजली का, एक हुआ है सोलर सिस्टम का, हमने कितने में किया, इन्हीं ने कितने में किया, जो इन्हीं ने मुआहदे किए हैं उसका अपफ्रंट टैरिफ कितना बनता है पहले 5 साल का, जो बिजली ये खरीद के मुआहदा करके गए हैं कि 30 और 32 रुपए के दरमियान पहले 5 साल की, और लेवलाइज टैरिफ जो है वो 18 सेंट था या 15 से 18 सेंट था, वो ये किस तरह 12 रुपए में बेचेंगे बिजली, जरा ये समझा दें। दूसरी चीज ये कि अगर पेट्रोल आज इनकी हकूमत होती तो ये पेट्रोल की कीमत क्या रखते, डीजल की कीमत क्या रखते, क्या ये 55 रुपए पे ले आते या इनको किस कीमत पे रखना पड़ता, टैक्सेस जीरो कर देते तो बैलेंस किस तरह करते बजट। ये तो बड़ा आसान है कहना कि जी महंगा हो गया पेट्रोल, अरे महंगा होने के पीछे वजह भी तो बता दो कि क्यों महंगा हुआ है। अगर आपने महंगी बिजली के मुआहदे किए हैं और ये आने वाली हुकूमत के पास सिर्फ दो ही चारे, या तो वो मुआहदे खत्म कर दे तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से निकल जाए फिर आइंदा कोई, या आपके गलत किए हुए वादों को निभाए। अभी ऑरेंज ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे हजूरे वाला कि उन्हें कहा था कि दो लोग मुसाफिर जो है रोज इस पे सफर करेंगे, 15,000 से ऊपर नहीं होता, इसके ऊपर बिजली का बिल आ रहा है 35 करोड़ रुपए महाना, आमदन हो रही है 20 लाख रुपए, क्या बात है, क्या था जबरदस्त प्रोजेक्ट है, अब जो है ये भी जिम्मेदार पीटीआई है ना, हमने आपका किया हुआ मुआहदा ड्रॉप नहीं किया, मुकम्मल कर दिया चाइनीज के साथ, लेकिन इसकी वायबिलिटी तो समझा देना आवाम को, तो किए हुए सारे आपके करतूत है, भुगता हम रहे ठीक और हम कौम के हालात दुरुस्त कर रहे हैं। ठीक, फिरदौस अमीन नकवी साहब, मुझे एक फौरी तौर पर ब्रेक लेनी है, तो आप लोग किस तरह की बातें किए जा रहे हैं सिवाय ये पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट था
और इसको इसी तरह इसका शिरादा बिखरना था। ठीक, वी गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर सर, हम ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो जो अभी पीडीएम के हवाले से और ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से अली गौर बलोच साहब ने जब भी फरमाया है कि जी इखलाकी एतबार से जो वो गुफ्तगू कर रहे थे कि इखलाकी एतबार से हमारा ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए था क्योंकि ये तय हुआ था, इस पर हम मेहरिन राजे साहब से उनकी राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मेहरिन अनवर राजे साहिबा, आपसे वक्फे पे जाते हुए कहा था कि लौट कर आएंगे तो ये सवाल पूछेंगे, जो अभी अली गौहर बलोच साहब ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि इखलाकी एतबार से जो तय हुआ था पीडीएम में वो यही था कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी, ऑपोजिशन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और ऑपोजिशन लीडर सेनेट पीएमएलएन से होगा, तो उस बात पर चलते हुए इखलाकी एतबार से फिर पीएमएलएन से होना चाहिए था। ये बात कौन कह रहा था? अली गौहर बलोच साहब जी। जी जी आपके आपके तहादी पीएमएलएन से। जी 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 बिल्कुल, मैं सिर्फ सुन नहीं सकी थी इसलिए मैंने पूछा। देखिए जहां तक ताल्लुक ऑपोजिशन लीडर का है, 51 वोट्स में से 26 वोट चाहिए थे ऑपोजिशन लीडर के लिए, और जब ये हदस मुकम्मल हो गया तो यूसुफ रजा जिलानी साहब ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर हो गए। जहां तक आप ये बात करते हैं कि कोई अखलाकी बात है, तो बिल्कुल ये बात आप ठीक कह रहे हैं। अगर देखिए फरतुल्ला बाबर साहब जब सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा था तो नून लीग ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था वहां से, और देखिए जहां तक सियासत का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि इस तरह के मामलात से जो लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम को कोई धचका पहुंचेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो टॉप अल्ट्रा टॉप मोस्ट लीडरशिप है उसको इस चीज पर कोई एतराज ना हो। मैं जो ये बात कह रही हूँ तो मैं समझती हूँ कि जो सुनने वाले हैं ये समझ भी रहे होंगे। तो देखिए एक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो चुका है और अब चीजों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम जो हमारा मेन गोल है उसको अचीव कर। लेकिन महरीन साहब जो तय हुआ था उस कमेटी में शायद खाकान अब्बासी की सरबराही में, उसका क्या होगा? वो जो फैसला था वो तो आप लोगों का ही मुश्तरका फैसला था। देखिए वहाँ पे मामलात ये भी डिस्कस किए गए थे कि जब चेयरमैन का इलेक्शन हो जाएगा, एक पॉइंट पे ये डिस्कशन भी थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होगा उसकी भी डिस्कशन की जाएगी। उन मामलात को कहाँ तक पजीराई हासिल हुई है, नहीं हुई है, वो कहाँ तक मेच्योर हुए हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहती, मगर मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि अब एक हकीकत है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो पीडीएम में भी कोई ऐसा बड़ा इख्तलाफ नहीं है जिसकी वजह से कि पीडीएम को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है अली गौहर बलोच साहब, आगे चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए, आगे की बात करें, ये जो होना था सो हो गया, इसकी वजह से एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। आपका जो असल गोल है उसके अचीव होने के लिए इकट्ठा चलना जरूरी है, ये महरीन साहिबा की भी राय है, और साथ में ये भी कहना है कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को तो इस पर एतराज ही ना हो। देखिए अली मुमताज, मैंने पहले ये गुजारिश की है कि बिल्कुल मैं महरीन साहबा की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि पीडीएम का असल गोल यही है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, और जब से ये मुआरदे वजूद में आई है इन्होंने मास वाइज करप्शन करने के लिए और कुछ भी नहीं किया। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि ये कह रहे थे कि ये कीमतें क्यों बढ़ी। देखे जब नून लीग ने बिजली के कारखाने लगाए और एनर्जी के यूनिट्स लगाए तो उस वक्त आप देखें कि नून लीग ने पर यूनिट जो है वो कंज्यूमर को किस रेट पे दिया, जिमीदार को किस रेट पे दिया, किसान को किस रेट पे दिया, ताजर को किस रेट पे दिया, और सर, आम पाकिस्तान के शहरी आप जवाब जरूर देते लेकिन टाइम कम है। सिर्फ ये बता दें मियां नवाज शरीफ साहब को यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऑपोजिशन लीडर बनने पर कोई एतराज नहीं होगा?
देखें, ये इसकी इस बात की वजाहत तो हमारी लीडरशिप कर भी चुकी है और कर रही भी है, उसका जवाब वही बेहतर देंगे। लेकिन मैं एक गुजारे यू ये जरूर करूंगा कि जो अरबों रुपए आप सुनामी ट्रीज से खाए हैं, जो अरबों रुपए आपने अद्वियात से पीटीआई की गवर्नमेंट ने खाए हैं, जो अरबों रुपए बीआरटी पिशावर से खाए हैं, जो अरबों रुपए अवाम के फॉरेन फंडिंग से कर खाए हैं, ठीक है, ये क्लोजिंग कमेंट सर, नकवी साहब क्लोजिंग कमेंट सर, क्लोजिंग कमेंट सर क्विकली प्लीज। अगर अगर वो आप कौमी खजाने में जमा करवा दे तो फिर पाकिस्तान के तमाम हालात माशी तौर पर सर, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। और अगर इसी स्पीड से खाते जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तबाही के दाने की तरफ जी फिरदौस में नकवी साहब। मेरे ये मासूम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, फॉरेन फंडिंग में पैसे मुल्क में आए, मुल्क से लूट के बाहर नहीं लेके गए। अगर आए अव्वल तो वही आपका गलत है, हमने तो 48,000 लोगों के नाम दे दिया, आप 4,000 के ही दे दीजिए, तो वो तो छोड़िए, आप लोगों को कितना गुमराह करेंगे टीवी पे बोल के। पिशावर की देखिए आप, मैंने आपकी बात सर एक जुमले में प्लीज सर, मुख्तसर प्लीज, वी हैव गॉट टू क्लोज द प्रोग्राम सर, वी हैव गॉट टू क्लोज द प्रोग्राम जी। मैं ये सर इसके साथ ही सर प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया है, वी कैन नॉट बी कंटिन्यूइंग एनी फर्दर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस में नकवी साहब, अली गौर बिलो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही मुझे मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।